हेलो गाइस, वेलकम टू नुमान मेडिसिन। स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल नुमान मेडिसिन में। तो आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू रीड सीबीसी रिपोर्ट, मतलब कंप्लीट ब्लड काउंट की रिपोर्ट आप घर पे कैसे पढ़ सकते हैं, खून की रिपोर्ट को कैसे देख सकते हैं आप खुद से ही। और पूरी जानकारी उससे रिलेटेड हम आपको इस वीडियो में देंगे, जैसे कि कौन सा पैरामीटर बढ़ता है तो क्या होता है, और कौन सी सेल्स कम होती है ज़्यादा होती है तो उसमें क्या क्या कंडीशन होती है। तो पूरी जानकारी उससे रिलेटेड आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले देखते हैं आरबीसी को। आरबीसी मतलब राइट ब्लड सेल्स। इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो 4 to 5.5 मिलियन पर मिलीलीटर होती है। तो इसमें अगर आरबीसी किसी की लो होती है तो वो कॉज करता है या इंडिकेट करता है एनीमिया को, और अगर किसी की हाई होती है तो वो कॉज करता है पॉलीस्थीमिया को। तो ये इसकी नॉर्मल रेंज होती है। बाकी इसके इसके बाद जो आता है वो देखते हैं एचबी हीमोग्लोबिन को। हीमोग्लोबिन में की जो नॉर्मल रेंज होती है वो मेल और फीमेल की अलग अलग होती है। तो फीमेल में जो होती है 12 से 14 mg ग्राम पर डिसीलीटर होती है, और मेल में जो होती है 13 से 16 पर ग्राम मिलीलीटर होती है। फीमेल में कम इसलिए होती है गाइस क्योंकि उनकी मेंसुरेशन साइकिल होती है हर महीने, तो उसकी में उनका ब्लड लॉस होता है, तो इस वजह से जो है उनकी एचबी हीमोग्लोबिन जो कम रहता है। अगर हीमोग्लोबिन किसी के अंदर कम आया है, कम होता है उसकी रिपोर्ट में, तो वो कॉज जो करता है वो करता है एनीमिया को, यानी ब्लड की कमी है उसके अंदर, एनेमिक है वो पेशेंट। जो अगर 5.5 या 5 से कम है उसका ब्लड तो वो सीवियर एनीमिया की कंडीशन में आ जाता है, तो उसमें ब्लड चढ़ाना भी पड़ सकता है उस पेशेंट को। अब जो थर्ड नंबर पर आता है उसमें बात करते हैं पीसीबी और हिमाटोक्रिएट की। इसमें क्या होता है, जब कभी इंसान को लूज मोशन या फिर डायरिया होता है, या तब उनको पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाती है उनकी बॉडी, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स उनकी बॉडी से निकल जाते हैं, तो उस कंडीशन में पीसीबी हीमेटोक्रिएट जो वो बढ़ जाते हैं। तो उससे आप इंडिकेट कर उससे देख सकते हैं, आप जान सकते हैं कि इसमें डिहाइड्रेशन है, इसकी बॉडी डिहाइड्रेट है। और जो फोर्थ नंबर पर आता है वो होता है एमसीएच, मतलब मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो 78.90 से 90, इससे पता लगता है कि एक रेड ब्लड सेल्स का वॉल्यूम कितना है, मतलब इनका वॉल्यूम जो बढ़ता है तो ये बताता है कि विटामिन B12 की डिफिशेंसी है, कमी है। और अगर कम होता है इसका वॉल्यूम तो ये बताता है कि आयरन की डिफिशेंसी है उसकी बॉडी में। तो इसके बाद जो पैरामीटर्स आता है वो आता है MCH, मतलब मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन। तो इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 27 से 32 PG होती है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि अगर एक सेल्स में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है, और अगर इसकी मात्रा कम होती है तो आयरन डिफिशेंसी एनीमिया को सजेस्ट करता है, उसे इंडिकेट करता है। इसके बाद जो आता है MCHC, मतलब मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसेंट्रेशन। तो इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो 30 से 38% होती है। तो ये भी है, ये भी जो है अगर कम होता है तो ये बताता है कि आयरन डिफिशेंसी, आयरन एनीमिया है, आयरन डिफिशेंसी का एनीमिया है आपकी बॉडी में। अब बात करते हैं वाइट ब्लड सेल्स यानी WBC की। तो इसको जो दूसरे नाम से जाना जाता है, इसको जाना जाता है TLC के नाम से, मतलब टोटल ल्यूकोसाइट्स काउंट। इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है गाइस वो 4000 से लगाकर 11000 पर क्यूमिक सेंट होती है। ये सेल्स जो होती हैं ये प्रतिरक्षा तंत्र का काम करती हैं हमारी बॉडी में। जब कोई भी फॉरेन पार्टिकल आता है हमारी बॉडी में तो उसके अगेंस्ट ये फाइट करती हैं, और उसके अगेंस्ट फाइट करके उसको किल करती हैं। तो ये जो है एक सैनिक का काम करती है बॉडी में, यानी कि सोल्जर का काम करती है हमारी बॉडी में। जब कभी इसकी मात्रा 4000 से कम होने लगती है तो उसमें समझ लेना चाहिए कि आपकी बॉडी में कोई भी वायरल इन्फेक्शन है, चाहे वो मलेरिया हो या वो डेंगू हो या कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, तो इन्फेक्शन है आपकी बॉडी में। अगर वो 4000 से कम हो रही है तो उससे समझ लेना चाहिए। और जब ये इंक्रीज होती है, जब इनकी मात्रा जो है 11000 से बढ़ जाती है, तब वो इंडिकेट करता है कि आपकी बॉडी में कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, और जिसमें WBC बढ़ गई है। और WBC जो होता है वो एक सैनिक का काम करती है गाइस, पहले भी बताया मैंने आपको। तो उस कंडीशन में ही अपनी मात्रा जो है बढ़ा लेती है उससे फाइट करने के लिए, जब कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन बॉडी में आपकी बॉडी में आता है। तो इसके इसके जो है बहुत सारे पैरामीटर्स है, इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जिसमें आते हैं न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। इसमें जो इम्पोर्टेंट होते हैं न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट्स, ये दोनों इम्पोर्टेंट्स होते हैं, बाकी ये तो बहुत कम इम्पोर्टेंट्स होते हैं। तो इसमें सबसे
इसमें सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है न्यूट्रोफिल। तो न्यूट्रोफिल्स न्यूट्रोफिल जो नॉर्मल रेंज होती है 50 से 70% होती है सेल्स में, इसमें इसके सेल्स में WBC में। तो इसमें जब ये 50 70 से ऊपर हाई हो जाता है तो वो इंडिकेट करता है कि इन्फेक्शन अभी 3 या 4 डे पुराना है, मतलब अभी रिसेंटली आपका इन्फेक्शन हुआ है। तो तब ये न्यूट्रोफिल्स जो हैं एक्टिव हो जाती हैं और बढ़ जाती हैं, अपनी अपनी जो है इनकी क्वांटिटी इनकी बढ़ा लेती हैं उनको। इसके बाद जो आता है लिम्फोसाइट्स, इसके बाद आता है लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स की जो नॉर्मल रेंज होती है वो 20 से 30% तक होती है। तो इसमें ये लिम्फोसाइट्स अगर अपनी नॉर्मल रेंज से बड़े हुए होते हैं तो उसमें आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी बॉडी का जो इन्फेक्शन है, जो आपकी बॉडी में इन्फेक्शन है तो वो 8 से 9 दिन पुराना हुआ है। न्यूट्रोफिल्स जो है जल्दी एक्टिव नहीं होते हैं, लिम्फोसाइट जो है जल्दी एक्टिव नहीं होते हैं, न्यूट्रोफिल जल्दी एक्टिव हो जाते हैं। तो लिम्फोसाइट्स अगर बड़े हुए हैं लिम्फोसाइट्स का काउंट, तो आप उससे आइडिया लगा सकते हैं कि आपकी बॉडी का जो इन्फेक्शन है वो 8 से 9 या 10 दिन पुराना हो सकता है। तो ये थे लिम्फोसाइट्स। और इसके बाद जो आता है वो आता है इसिनोफिल्स। इसिनोफिल्स की जो नॉर्मल रेंज होती है वो 2 से 4% होती है अगर ये बढ़ता है तो ये जो इंडिकेट करता है कि आपको अगर कोई एलर्जी है या अस्थमा या ब्लड ब्लड पैरासाइट या इंटेस्टाइनल पैरासाइट या कोई भी अलग एलर्जन पार्टी एलर्जन से आपको एलर्जी है तो उस कंडीशन में इसिनोफिल्स जो है बड़े हुए आते हैं। तो उससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपको कफ है, मतलब कफ एलर्जी वाली खांसी है, या फिर कोई और एलर्जन आया है तो एलर्जी है किसी चीज से, तो उसमें ये बढ़ जाते हैं जो इसिनोफिल्स होते हैं। इसके बाद जो सबसे लास्ट आता है ये भी काफी इंपोर्टेंट होता है, प्लेटलेट्स आता है इसके बाद। तो ये भी बहुत इंपोर्टेंट होता है, ये बहुत सारा बहुत देखा जाता है सीबीसी रिपोर्ट में। तो प्लेटलेट्स की जो नॉर्मल रेंज होती है, इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है 1.5 लाख से 4.5 लाख होती है, मतलब 1.5 लाख से 4.5 लाख होती है। अगर इसकी मात्रा कम होती है ब्लड में तो ये इंडिकेट करता है कि आपको कोई भी इन्फेक्शन है, जैसे कि डेंगू हो सकता है उस कंडीशन में, मलेरिया हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है। तो इन कंडीशन में प्लेटलेट्स जो है डाउन हो जाती हैं, या कोई और बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या फिर कोई और वायरल इन्फेक्शन है तो उस कंडीशन में ये जो है इनकी रेंज जो है बहुत कम हो जाती है। और अगर ये 4.5 लाख से बढ़ जाती है, बड़ी हुई है, तो वो इंडिकेट करता है कि कोई होम ह्यूमर ह्यूमोरेस हुआ है, या फिर इन्फेक्चर हुआ, कोई इंजरी हुई है, या फिर आफ्टर सर्जरी मतलब सर्जरी के बाद भी ये बड़ी हुई आती हैं प्लेटलेट्स जो होती हैं। तो ये हमने पूरी जानकारी आपको सीबीसी रिपोर्ट के बारे में दी। तो आई होप हमारे द्वारा ये दी गई जानकारी आपको बेहद ही पसंद आई होगी। पसंद आई तो दूसरों को शेयर करें ताकि उनको भी हेल्प मिल सके हमारी इस वीडियो से, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आपको प्रॉपर तरीके से मिल सकें, और लाइक करें वीडियो को। तो इसमें हमने आपको ब्लड के बारे में पूरी जानकारी दी थी। तो थैंक यू।